हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेश, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस और बिल्डर बेस दोनों में। सो गाइस, ये है मेरा नया लोगो, मैंने कल ही बनाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे आपको ये लगा नया लोगो। और जो आज का हमारा वीडियो है वो है जो नए तीन इवेंट्स आए उन्हें कंप्लीट करने का वीडियो। एक ही आर्मी से हम पूरा इवेंट इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी 3 स्टार कर सकते हैं, इतनी बढ़िया आर्मी है। हर टाउन हॉल लेवल के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसी आर्मी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा अभी मेन टाउन हॉल लेवल 12 है, तो उसके लिए मैं फुल आर्मी आपको बताता हूँ, और उसके बाद आपको बताऊँगा दूसरे टाउन हॉल लेवल्स के लिए आप कैसी आर्मी यूज़ कर सकते हैं। तो तीन इवेंट्स में हमें यूज़ करना है रॉकेट बलून, पार्टी विजर्ड और हॉग राइडर्स। तो अब देखिए, मैं लेजेंड लीग में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बिल्डर बेस में भी मैं लेजेंड लीग में आ चुका हूँ इस बार। तो दोनों बेसिस में मैंने एक साथ लेजेंड लीग हिट किया है, देख सकते हैं आप। और बिल्डर बेस में तो ऑलमोस्ट मैक्स ही होने वाला है, सिर्फ वॉल्स बची है, कुछ 16 वॉल्स बची है। तो चलिए, अब आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम। जो तीन इवेंट्स है वो कैसे कंप्लीट करना है, वो भी एक सिंगल आर्मी से, और वो भी 3 स्टार। तो अभी मैं साइन अप नहीं किया इसलिए मैं अटैक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको फ्रेंडली चैलेंजेस से अटैक करके दिखाऊंगा कौन सी आर्मी अब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, 11 हॉग राइडर यूज़ करने हैं हमें, टाउन हॉल 12 पर ये 11 है, और टाउन हॉल 13 और 14 पर है ये 12 है। और रॉकेट बलून हमें एक यूज़ करना है, और पार्टी विजार्ड्स हमें यूज़ करने हैं 14, दिखा देता हूँ आपको। और पार्टी विजार्ड का जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही अमेजिंग है, रून ऑफ एलिक्सर मिलने वाला है, तो इसलिए ये इवेंट कई लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए एक ही साथ सारे इवेंट कंप्लीट करने के लिए मैं आपको आर्मी बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया आर्मी है। तो पार्टी विजार्ड्स, हॉग राइडर्स और रॉकेट बलून हमें यूज़ करने। तो अब रॉकेट बलून टाउन हॉल 12 के ऊपर वाले प्लेयर के पास ही हो सकता है, और वो भी अगर आपका बलून लेवल 8 हो। तो चलिए पहले आर्मी देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। आज हम यूज़ करने वाले 5 पैकास, 3 हॉग राइडर्स, 2 गोलम्स, 2 रॉकेट बलून, 16 पार्टी विजार्ड्स, यानी कि हम करने वाले गो वाइप आर्मी। और स्पेल्स में मैंने लिए 7 लाइटनिंग स्पेल्स, 1 अर्थक्वेक स्पेल, 2 फ्री स्पेल और 1 पॉइजन। 7 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से आपको पता चल गया होगा कि हम ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय करेंगे। पैकास के लिए ईगल आर्टिलरी बहुत ही डैमेजफुल होती है, इसलिए हम ईगल आर्टिलरी ईजिली डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो दूसरे टाउन हॉल लेवल्स के लिए, टाउन हॉल 9 पर आप है अगर, तो टाउन हॉल 9 या उसके नीचे, तो आप रॉकेट बलून नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आप हॉग राइडर और पार्टी विजार्ड ज़रूर यूज़ कर सकते। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हो वाइप आर्मी, उसके वीडियोस मैंने बना दिए और उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा। आई वाला बटन दबाएगा आपको मिल जाएगा टाउन हॉल 10 के लिए, और वही सेम आप 9 के लिए भी यूज़ कर सकते। तो चलिए, आप टाउन हॉल 11 पर आते हैं, 11 पर आप टाउन हॉल 10 और 11 पर भी आप रॉकेट बलून यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सीसी में से लेकर, यानी कि आपके क्लैन वाले डोनेट कर सकते हैं, तो उसमें भी आप हो वाइप आर्मी यूज़ कर सकते हैं, और सीसी में आपको लेना है रॉकेट बलून, बस इतना ही फ़र्क होगा। और टाउन हॉल 12 के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ आर्मी, ये सेम आर्मी आप टाउन हॉल 13 और 14 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टाउन हॉल 12, 13 और 14 पर है और आपके पास रॉकेट बलून नहीं है, यानी कि आपका बलून लेवल 8 से कम है, तो आप सीसी में रॉकेट बलून ले सकते, और उसकी जगह पर आर्मी में आप हॉग राइडर्स ले सकते, जिससे कि आपका इवेंट ईजिली कम्प्लीट हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कौन से टाउन हॉल पर कौन सी आर्मी यूज़ करनी है आपको। और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अब गाइस, पूरा वीडियो देखेगा आर्मी समझने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना फर्स्ट अटैक, एंड तक वीडियो देखेगा और मेरे साथ बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते और कुछ भी पूछ सकते अगर आपको कोई डाउट हो तो। चलिए, अब यहाँ पर ईगल आर्टिलरी देख लेते हैं। यहाँ पर ईगल आर्टिलरी, तो हम उसके आसपास की बिल्डिंग्स को भी डैमेज देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सबो है और 2 कैनन्स है, तो हमें इन्हें भी डैमेज देना होगा। में रखना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि साइड बिल्डिंग्स को भी आपको डैमेज देना है। चलिए, अब अटैक हमारा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है एक्सबो ट्रैप है इस तरफ, तो हम इस तरफ से हमारा अटैक करेंगे। पहले आपको गोलम्स डालने, फिर लॉग लॉन्चर और फिर सारे पैकास डालने और उनके पीछे विजार्ड्स। यहाँ पर सीसी भी देख सकते हैं आप, दूर है लेकिन हमने पॉइजन लिया, इसने इतना टेंशन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अटैक की तरफ गाइस। तो देखिए, ईगल आर्टिलरी के साइड बिल्डिंग्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, और अब ईगल आर्टिलरी भी इजीली डाउन हो चुकी है। तो अब हम डाल देंगे गोलम, उसके पीछे लॉग लॉन्चर और फिर डाल देंगे सारे पैकास।
पार्टी विजर्ड आप थोड़े पहले 10 डाले, मैंने 6 अभी बचा के रखे और रॉकेट बलून्स भी डाल दिए, फिर सारे हीरोज और हॉग राइडर्स भी छोड़ दिए। हॉग राइडर्स आप बचा कर भी रख सकते, यानी कि आपका लॉग लॉन्चर जब टूट रहा हो तब आप डाल सकते हैं हॉग राइडर्स, और स्टार्टिंग में आपको रेज यूज़ करना है ये याद रखेगा। और अब यहाँ पर सीसी में से इलेक्ट्रो और ड्रैग इलेक्ट्रो और बलून निकल चुका है, तो अब हम यूज़ कर लेंगे वार्डन एबिलिटी। देख सकते हैं आप क्या बढ़िया इजीली अटैक जा रहा है हमारा। यहाँ पर सारे के सारे मल्टी इन्फर्नोस थे, इसलिए हमारे जो पार्टी विजर्ड्स नहीं बच पाए कई सारे, क्योंकि मल्टी इन्फर्नोस से वो इजीली डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल इन्फर्नो बेस पर अटैक करेंगे तो वो बचे रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अटैक आपको 3 स्टार ही मिलेगा, क्योंकि हमारे जो पैकाज है वो बहुत ही हाई लेवल डैमेज वाले है, तो उन्हें मल्टी इन्फर्नोस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारे सारे हीरोज भी है और गोलम जो है वो मैक्सिमम डैमेज ले रहे हैं आगे जाकर, तो हमारे बाकी के ट्रूप जो है वो इजीली सेफ है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो गाइस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये भी बताइएगा नया लोगो आपको कैसा लगा, और ये भी बताइएगा आपको इवेंट आर्मी कैसी लगी, आपने यूज़ करने के बाद बताइएगा ज़रूर आपने 3 स्टार कर पाए या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एक बार फ्रेंडली चैलेंजेस से, तो आपको ये आर्मी ईजीली 3 स्टार दिला सकती है। यहाँ पर देखिए गोलम जो है वो आर्चर टावर का डैमेज ले रहा है, जिससे कि पीछे के जो ट्रूप्स हैं वो बचे हुए, तो इसलिए गोलम आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो ये गो आई फार्मी है, टाउन हॉल 10 के लिए भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, और टाउन हॉल 9 के नीचे भी आप यूज़ कर सकते। टाउन हॉल 9 के नीचे तो आपको गो वाइप यूज़ करना है या फिर हो वाइप भी यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों के वीडियोज़ मैंने डाले हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं टाउन हॉल 10 के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अटैक इजीली जो है वो 3 स्टार की तरफ बढ़ रहा है, तीनों हीरोज हमारे जो वो बचे हुए और पैकास भी है साथ में, तो देख सकते हैं आप क्या इजीली हमने अटैक 3 स्टार कर दिया एक टाउन हॉल 12 बेस पर, टाउन हॉल 12 की आर्मी से। तो देखिए ये थी हमारी आज की इवेंट आर्मी, बहुत ही बढ़िया आर्मी है, आप इसमें कुछ हेर फेर कर सकते हैं। अगर आपके पास रॉकेट बलून नहीं है तो आप उसकी जगह हॉग राइडर्स ले सकते हैं, और सीसी में आपको लेना है रॉकेट बलून। फिर अब ये देखिए एक टाउन हॉल 14 जो मेरा रश बेस है उस पर मैं अटैक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों स्कैडर शॉट मैक्स कर लिए और इसका सीसी भी बाहर है इसलिए, और उसमें सुपर मिनियन डाले मैंने, तो देखिए अब बहुत ही चैलेंजिंग अटैक होगा यह। पहले हम ईगल आर्टिलरी डाउन करते, सबसे पहले आपको ईगल आर्टिलरी डाउन करने जाना है और फिर ही आर्मी यूज़ करनी है, नहीं तो ईगल आर्टिलरी के डैमेज से आपकी आर्मी इजीली डाउन हो सकती है। जो देखिए ईगल आर्टिलरी डाउन हो चुकी है, तो हम अब डाल देंगे गोलम, फिर लॉन्ग लॉन्चर, और यहाँ पर एकदम एक्टिव रहना क्योंकि ये देखिए सीसी में से डायरेक्टली निकल चुके हैं सुपर मिनियंस। तो पहले फ्रीज और फिर पॉइजन डाल दिया है, और अब हम डाल देंगे बाकी के सारे ट्रूप्स, पैकाज, सुपर विजर्ड्स, रॉकेट बलून्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने हॉग राइडर बचा के रखे जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था, अब डाल देंगे सारे हीरोज, और जैसे ही आपको लॉग लॉन्चर खुलता हुआ दिखे तो आप सारे हॉग राइडर्स छोड़ दीजिए, 3 जो बचे हुए वो। अब ये देख सकते हैं आप टाउन हॉल भी अटैक कर रहा है गीगा इन्फर्नो टाउन हॉल का। अब देखिए लॉग लॉन्चर ब्लास्ट होने वाला है, तो मैंने हॉग राइडर्स भी छोड़ दिए और अब वार्डन एबिलिटी कर लिया यूज़। चलिए देखते हैं हम टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर पाते हैं या नहीं। ऑसम वैल्यू गाइस, टाउन हॉल हो चुका है डाउन, लेकिन हमारे हॉग राइडर्स नहीं बच पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पैकाज जो है वो बहुत ही सारे बचे हुए, और अब यहाँ पर एक इन्फर्नो टावर जो बचा है वो बहुत डैमेज दे रहा है। चलिए देखते हैं हम ये बेस 3 स्टार कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए बैटल बिल्डर्स भी मैंने खोल लिए 2, और तीसरा जो है वो अपग्रेड पे है यानी कि खुलने वाला है, तो देख सकते हैं आप क्या ही बढ़िया आर्मी है ये। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल ये आर्मी से आप इजीली 3 स्टार कर सकते और अपना इवेंट कंप्लीट कर सकते इजीली, सारे तीनों इवेंट्स एक ही साथ कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इवेंट कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ अटैक में 1 स्टार भी ज़रूरी है, सिर्फ 1 स्टार होगा आपका तो भी आप 3 स्टार तो भी आप इवेंट कंप्लीट कर सकते, लेकिन फिर भी हम यहाँ 3 स्टार करने की ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हॉग राइडर इवेंट के लिए आपको 10 अटैक्स करने ऐसे, और
रॉकेट बलून के लिए भी 10 अटैक्स करने हैं और पार्टी विजर्ड्स के लिए आपको करने हैं 25 अटैक्स। पार्टी विजर्ड जो है वो 19 डेज के लिए अवेलेबल है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और जो हॉग राइडर्स और रॉकेट बलून है उसका इवेंट है अभी 4 डेज के लिए, तो वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं इस आर्मी से। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं गाइस। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को क्लैश विद अवेस, बहुत ही ऑसम वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको। और नया लोगो कैसा है वो भी बताइएगा ज़रूर। चलिए गाइस आज का वीडियो हमारा होता है कंप्लीट, आपको कोई भी क्वेरी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आंसर करूँगा। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।